Good morning students. How are you? I hope you all are fine. Students, in previous lecture, we started chapter first. Our topic was input devices. So, today continue. Our topic is input devices. First of all, what are input devices? Input devices are those devices. विच आर यूज टू गिव इनपुट टू कंप्यूटर स्टूडेंट्स इनपुट डिवाइस क्या होते हैं इनपुट डिवाइस वो वाले सभी डिवाइस जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए हम यूज़ करते हैं देयर आर मैनी इनपुट डिवाइसिस फॉर एग्ज़ाम्पल माउस कीबोर्ड टच पैड चो ग्राफिक टैबलेट स्कैनर डिजिटल कैमरा वेब कैमरा माइक्रोफोन ऑल दीज आर इनपुट डिवाइसेस, ओके स्टूडेंट्स सो नाउ वी कवर वन बाय वन दीज ऑल इनपुट डिवाइसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इज व्हाट इज टच पैड स्टूडेंट्स टच पैड क्या होता है टच पैड इज एन इनपुट डिवाइस ये इनपुट डिवाइस होता है फाउंड ऑन लैपटॉप्स एंड सम कीबोर्ड्स जो कुछ कीबोर्ड्स के ऊपर या लैपटॉप पे होता है देखिए स्टूडेंट्स दिस इज लैपटॉप ये क्या है लैपटॉप आपने देखा होगा लैपटॉप पे ये सभी कीज होती हैं इनके साथ ये जो है दिस इज टच पैड आप देखते हो इट वर्क्स लाइक अ माउस ये एक माउस की तरह काम करता है जैसे आप कंप्यूटर में जो माउस होता है उसको क्या करते हो टच करते हो सॉरी क्लिक करते हो लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक तो वो वर्क करता है, सेम दिस वे लैपटॉप में और कुछ कीबोर्ड्स में टच पैड होता है देखिए इसको बोलते हैं टच पैड जैसे ही इसका क्या काम है वैन यू मूव योर फिंगर ऑन अ टच पैड द माउस पॉइंटर मूव ऑन द स्क्रीन जैसे आप इस टचपैड के ऊपर अपने फिंगर को यहाँ से यहाँ या कहीं भी मूव करते हो सेम द इसमें क्या होता है आपका जो माउस का पॉइंटर है वो भी स्क्रीन पे मूव करता है ओके बेटा जैसे जैसे आपकी फिंगर मूव करेगी वैसे वैसे आपके माउस का पॉइंटर मूव करेगा आफ्टर दैट देअर आर टू बटन्स बिलो द टच सरफेस इसके नीचे दो बटन्स होते हैं वन

ग्राफिक टैबलेट ई यूज टू ड्रो विद द पेन जैसे आप पेन से कुछ भी राइट करते हो तो ग्राफिक टैबलेट कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है ये भी क्या होता है कंप्यूटर में कुछ भी जब ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जांपल वी वांट टू ड्रॉ एनी शेप कुछ भी आपको ड्रॉ करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं ग्राफिक टैबलेट कंप्यूटर क्या करता है कन्वर्ट्स द ड्राइंग स्ट्रोक्स इन टू डिजिटल फॉर्म्स जो भी आपने ये ड्रॉइंग किया है ड्रॉ किया है तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा कन्वर्ट कर देगा किस में डिजिटल फॉर्म में एंड डिस्प्ले दैम ऑन द स्क्रीन करने के बाद आपको ये स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा ओके okay, बेटा तो ग्राफिक टैबलेट क्या है कुछ भी ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट इज जॉयस्टिक बेटा जॉयस्टिक क्या है इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस ये भी एक इनपुट डिवाइस है दैट इज यूज टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन इस स्क्रीन पे जो पॉइंटर होता है उसको हम मूव करने के लिए यूज करते हैं दिस इज च्वाइस्टिक ओके बेटा ये पॉइंटर को मूव करने के लिए यूज करते हैं कहाँ यूज होती है ये इट इज मोस्टली यूज टू प्ले गेम्स गेम्स को प्ले करने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं माउस एंड जॉयस्टिक बेटा ये इनपुट डिवाइस तो है ही है लेकिन इनका जो यूज़ होता है हमारे माउस के पॉइंटर को मूव करने के लिए इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं सो दे आर कोल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या बोलते हैं बेटा पॉइंटिंग डिवाइसेस और नेक्स्ट डिवाइसेस स्कैनर दिस इज स्कैनर इट इज़ क्लियर बाय द नेम स्कैनर इट इज़ यूज टू स्कैन जब भी आपको कोई भी टेक्स्ट राइट किया हुआ हो या कोई भी पिक्चर हो वो आपकी बुक में हो नोटबुक में हो या एनीवेयर इफ़ वी वॉन्ट दैट टेक्सट और पिक्चर इन टू अवर कंप्यूटर अगर आपको वो अपने कंप्यूटर में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है पहले स्कैन करना पड़ता है ओके okay, बेटा जो ही आप मान लो कोई अपनी बुक का पेज है आप उसको स्कैन करोगे स्कैनर से तो वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा स्कैंड हो जाएगा और आपके मोनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा देखिए द स्कैन डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले ऑन द मोनिटर आपके मोनिटर पे डिस्प्ले होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कैनर है और यहाँ टू टाइप्स के स्कैनर्स बताए गए हैं फर्स्ट वन इज फ्लैट बेड सेकेंड इज बार कोड स्कैनर तो फ्लैट स्कैनर क्या होता है फ्लैट मीन बिल्कुल फ्लैट देखिए इन दिस स्कैनर ये ये बिल्कुल फ्लैट है इसकी जो सरफेस होती है वो ग्लास की होती है यहाँ पे जहाँ पे ऑन विच द डॉक्यूमेंट ये टू बी स्कैन इज प्लेस जिस डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करना होता है हम वहां पे यहाँ ये फ्लैट और ग्लास सरफेस पे उस डॉक्यूमेंट को प्लेस करते हैं ओके बेटा तो देखिए स्कैनर इज यूज टू स्कैन द डॉक्यूमेंट्स और पेजेस कुछ भी स्कैन करना हो तो हम स्कैनर का यूज़ करते हैं जैसे आप स्कैन कर लोगे तो वो आपकी नोटबुक या बुक से क्या हो जाएगा अपने कंप्यूटर में इनपुट हो जाएगी ओके बेटा थैंक यू क्लास रीड पेज नंबर फोर फ्रॉम योर बुक ओके